আমার জায়গা আমরা তে হয় আ তোমায় তোমায় দেবে যে বোধ হয় চাবি ছড়া লাগা হয় আমার মোটরসাইকেল চাবি দে দে যা ভাজ্জা চাবি নেই মিল রাই তোমায় চলো ঠিক আছে তো না মিল ধায় আও চাবি তো হ্যাঁ চাবি নেই ও তুম যা সমঝ লো হ্যাঁ अब तुम्हारी नेतागी के हमारी हाओ 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 हमारी नेतागी देखने के तुम हाओ का कही हाओ 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 तुम दुम नवा में नारे पाओ बिल्कुल बिल्कुल तुम और रात चल रहे सब हमारा रात चले और चले तो तुम्हारी तुम आवाज रात में मटाए हो जे करवा दो भज्जे करवा दो अच्छी कमले इस माद अरे ठीक है बिल्कुल ठीक है अपने बाप को हो तो अपने घर आ जा हाँ हाँ ठीक है ठीक तो माँ हम तो ही मडाए करें आज रात के हाँ हाँ ठीक तेरी माँ हाँ ठीक हाँ हम धाय बंदी आदा बोल रहा तेरी हाँ आ जाओ सब हो जाओ जा माँ कुत्ते दम दम आपने घर ही आ जा भैया एक ऑडियो वायरल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी वायरल हो रही है हल्ला बेजा मचा है और बात अब सच साबित हो रही है कि पोलिंग की पोलिंग लूट कर उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को हराया था। यह ऑडियो चंद दिन पुराना है और तेजी से बुंदेलखंड में वायरल हो रहा है। यह पूरी दास्तां मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा की है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव के बेहद करीबी धर्मेंद्र यादव दुमदुमा ने जनपद सदस्य कमलेश रेखवार को जान से मारने की धमकी दी है, जिस पर FIR दर्ज हुई है। लेकिन क्या यह रंगदारी का अंत नहीं होना चाहिए? अगर शिशुपाल को यादव वोट का सहारा मिल रहा है, यादव को वोट करेगी तो अन्य भी समाज हैं, और भी लोग हैं, और भी संख्या है, जिसमें केवट सेन विश्वकर्मा ब्राह्मण ठाकुर SC आदिवासी और सोनी प्रजापति लोधी समाज कई वोटर हैं। इनका कोई महत्व नहीं, जातिवाद के आधार पर चुनाव नहीं जीते जाते, कांग्रेस का एक नारा था, आज भी है। जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, बस यह यादव समाज की गुंडागर्दी भाजपा पृथ्वीपुर विधानसभा में हैरान परेशान करके जरूर दिख रही है। मेरा नाम कमलेश रेखवार है, मैं ग्राम पंचायत दुमदुमा से जनपद सदस्य हूँ। आज मैं दिन भर से नीतू राठौर के प्रचार में दिन भर रहा हूँ संपर्क में। मैं शाम को जब घर पहुँचा तो रास्ते में इन दोनों भाइयों को मैंने कि चलो छोड़िया, रात हो गई, तो वहाँ रास्ते में धर्मेंद्र यादव ने हम लोगों को छेंक लिया और छाती पे कट्टा अड़ा दिया। बोली तुम शिशुपाल यादव को वोट नहीं दोगे तो साले यार तेरा मर्डर हो जाएगा, तू बहुत प्रचार कर रहा है, तू आज से कल दिखेगा नहीं। उस ये शिशुपाल का गुंडा है, उस शिशुपाल यादव के संरक्षण में रहता है जी आदमी। आज मैं डरा धमका हूँ श्रीमान जी, मैं सब केवट समाज से निवेदन करता हूँ कि हमारी सुरक्षा करें सब केवट समाज। मैंने फ़ोन पे भी धमकी दी जा रही है अभी, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली, मेरे पास प्रमाण है और मुझे रिकॉर्डिंग है, मैंने अभी TI साहब के पास जा रहा हूँ, मैं उनको बताऊँगा जी। मुझे डर धमका डर है। मैं हूँ सुनील कुमार रेखवार, चंदेली का रहने वाले, कमली हमारे यहाँ चंदेली दुमदुमा के जनपद सदस्य हैं जी, और मैं इनके साथ था बिजन सिंह राठौर की यानी नितिन राठौर की रैली में था, उनके साथ छोड़ने के लिए गए, अपनी गाड़ी घर से निकाली, गाड़ी घर से निकाल के छोड़ने के लिए गए। धर्मेंद्र यादव और कोमल उनके पिताजी का नाम है, और मैं बता रहा हूँ सीधे सीधे सर, वो हमें छोड़ने के लिए गए, उनने बीच में आकर रोड पर हमको गाली गलौज की। पहले हमने कुछ नहीं सुना, सुन के आए, फिर सीधी गाड़ी घुमाते हुए छाती पर कट्टा दे रख दिया, और कट्टा रख के फिर मान ने दो चांटा भी मार दिए, फिर भी मैं रुक गया, कुछ नहीं कहा। और फिर उसने इसके बाद बोले साले तू आज रात के तू मरेगा। बोले मैंने उससे बोला मैंने मेरी क्या गलती है? बोले तुम तीनों मरोगे साले, आज तुम तीनों नहीं बचोगे। सबने सर उससे बोला मैंने कि सर मैं कोई मेरी कोई गलती नहीं है। मैं मुकेश रेखवार ग्राम चंदेली का हूँ, मैं नितिन राठौर
की रैली में दिन भर संपर्क में रहा हूँ। मैं शाम के घर जा रहा था लौट के, धर्मेंद्र यादव पिताजी का नाम कोमल यादव, तो इन लोगों ने रास्ते में आकर के गाली गलौज की और मारने की धमकी दी कि आज जान से मार देंगे, कट्टा से तुम लोगों को छोड़ेंगे, आज रात में मर्डर कर देंगे तुम लोगों का। तुम लोग बहुत प्रचार कर रहे हैं सुसपाल का और वोट नहीं दिए तो आज ही जान से मार देंगे। राकेश भास्कर, सागर एक्सप्रेस न्यूज, पृथ्वी भर। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।